जब जया बच्चन ने अमिताभ बच्चन से शादी नहीं की थी तब जया हैड अ ह्यूज ह्यूज क्रश ऑन बॉलीवुड सुपरस्टार। इतना ही नहीं, जया अपने क्रश को सोफा के पीछे से चुप चुप कर देखती थी, व्हिच आई पर्सनली फाउंड इट रियली रियली क्यूट। वेल, आपको सस्पेंस में रखना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, सो बिना आपका टाइम वेस्ट किए बता देते हैं, ही वॉज नन अदर देन बॉलीवुड ही मैन। सो हु इज बॉलीवुड ही मैन? कुछ लोगों को तो पता ही होगा, बट फॉर जेन जी पीपल वो ही मैन है धर्मेंद्र। यस, और ये बात उन्होंने खुद मीडिया के सामने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी फिल्म की प्रमोशन के टाइम रिवील किया था। वेर ही रिकॉल्ड वेन ही वॉज शूटिंग फॉर द फिल्म गुड्डी, जहाँ धर्मेंद्र एंड जया लीड रोल्स में थे। एंड फन फैक्ट ये है कि उसी फिल्म में अमिताभ बच्चन भी थे, बट इन अ कैमियो रोल। इट वॉज रिवील दैट जया बच्चन वॉज क्वाइट फॉन्ड ऑफ धर्मेंद्र, हु इज नोन एज द ही मैन ऑफ बॉलीवुड एंड हैड अ क्रश ऑन हिम। उन्होंने कहा कि गुड्डी के सेट्स पे उनको एक मोमेंट याद है जब जया उन्हें सोफे के पीछे से छुप छुप के देखती थी। एंड रिएक्टिंग टू द सीन ही सेड दिस इज अ लव एंड रिस्पेक्ट स्पीकिंग। आई हैव नोन जया एंड अमिताभ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ एंड आई स्टिल रिमेंबर द फन टाइम्स दैट वी हैड व्हाइल शूटिंग फॉर शोले। वेल, अब धर्मेंद्र की बात हो ही रही है तो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से उनका और शबाना आजमी का किसिंग सीन वॉज वन ऑफ द टॉप हाईलाइट। वेल, जया जी को भले ही धर्मेंद्र पर ह्यूज क्रश था, बट उनके दिल की आखिरी मंजिल अमिताभ बच्चन की ही थी। वेल, बिग बी एंड जया जी को एक साथ करीब 50 इयर्स के ऊपर हो चुके हैं साथ रहते हुए, एंड दोनों अमिताभ बच्चन एंड जया बच्चन हैव बीन मैरिड फॉर मोर देन 5 डेकेड्स एंड दे आर कंसिडर्ड टू बी द अल्टीमेट पावर कपल ऑफ बॉलीवुड। ईयर 1973 में अमिताभ एंड जया शादी की थी एंड दे पाथ क्रॉस्ड एट पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट इन 1970 एंड दे आल्सो अपीयर्ड इन मेनी फिल्म्स टुगेदर इंक्लूडिंग शोले, सिलसिला, बंसी बिरजू, कभी खुशी कभी गम एंड मेनी मोर। एंड दे हैव बीन ईच अदर्स पिलर ऑफ स्ट्रेंथ एंड टाइम एंड अगेन दे हैव प्रूव्ड दैट दे आर नथिंग शॉर्ट ऑफ अ परफेक्ट कपल। एंड धर्मेंद्र इज अमंग द मोस्ट लव्ड स्टार्स ऑफ बॉलीवुड एंड विद रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ही प्रूव्ड दैट पीपल अक्रॉस जनरेशंस एडमायर हिम। His son Sunny Deol and Bobby Deol also had a great 2023 as Gadar 2 and Animal became blockbuster hits. Overall, the Deols had a great 2023. Well, what are your views on the same? Leave us in the comment section below. And for more such updates, to follow our page.